आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम टॉप बनाने जा रहे हैं, छोटे बच्चे का टॉप बना जा रहे हैं। ये टॉप 10 से 12 साल के बच्चे का है। पहले हमने सेकेंड फोल्ड किया इसका, और फिर हम इसका भी सेकेंड कर देंगे। डबल फोर्थ फोल्ड में हमको कपड़ा लेना है। ये हम आगे और पीछे दोनों पल्ला निकाल रहे हैं, इसलिए हमने कपड़े को चार फोल्ड में रखा है। यहाँ पर लंबाई हम 20 इंच रखेंगे। तो देखिए, हमने 20 इंच पर निशान लगा लिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। नीचे हम 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी सिलाई के लिए है, इसे हम मोड़ेंगे। और अब हम पहले 2.5 इंच गले के लिए निशान लगाएंगे और नीचे 3 इंच रखेंगे, और इसे बॉक्स बनाकर राउंड शेप देंगे। पहले बॉक्स बना लेंगे पहले, और इसे हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पर हमने 3.5 इंच कांधे का निशान लगाया है, और 4 इंच पर हम मोढ़े का निशान लगाएंगे। इसे भी हम मोढ़े का निशान लगा कर काट लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर मोढ़े का निशान लगा लिया है। और अब हम पहले चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट हमारी 8.5 इंच चौड़ाई है, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का है। और इसके बाद हम कमर के लेंगे, तो कमर हमारी 7.5 इंच है, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे हिप हमारी 9 इंच है, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी फिटिंग का हो गया। इस पर हमारी फिटिंग है, इस सिलाई पर। यहाँ पर हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे निशान लगा लिया है। और अब हम काट लेंगे। हम बाहर की सिलाई से काट रहे हैं, जो बाहर का हमने निशान लगाया था मोड़ने के लिए, वहाँ से हम काट रहे हैं। यहाँ पर पहले हम कांधी काट रहे हैं, मोड़े को काट लिया हमने, और अब हम साइड में भी काट लेंगे एक्स्ट्रा बचे हुए को। गले को भी हम काट लेंगे। तो देखिए, हमने काट लिया है। अब हम यहाँ पर एक पीस को रख देंगे अच्छी तरह से, और एक पीस को निकालेंगे। यहाँ पर हम एक पीस को रख देंगे और एक पीस हम निकालेंगे। और यहाँ पर हम दूसरे कपड़े लिए हैं, हम यहाँ पर दूसरे कपड़े लिए हैं। इसे हमने डबल फोल्ड में रखा है, और ये 10 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। ये हमारी 10 इंच लंबाई है। पहले हम इस लंबाई को काट लेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। अब हम इसे अच्छी तरह से रखते हुए जो टॉप बनाया है उसके ऊपर, टॉप उसके ऊपर रखकर इसका गले और मोढ़े का निशान लगाएंगे। हम इसके ऊपर टॉप रखेंगे और इससे गले और मोढ़े को अच्छी तरह से हम निशान लगाएंगे और काट लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। अब हम गले को भी काट लेंगे। तो देखिए, हम गले को भी काट लिया है। और देखिए, हम इस तरह से फैलाते हुए हम कांधे से लंबाई तक का पूरा राउंड शेप लगाएंगे। हम इसे राउंड शेप में लगाते हुए डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, हम राउंड शेप का लाइन खींच लिया है, और इसे हम काट लेकर अलग कर लेंगे। देखिए, हमने लाइन खींच लिया है, और अब हम इसे काट कर अलग करेंगे पहले। तो देखिए, हमने काट लिया है। और अब हम यहाँ पर कुछ तिरछी पट्टियाँ लेंगे। यहाँ पर हम कुछ तिरछी पट्टियाँ लिए हैं, इसे आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए, हमने तिरछी पट्टियाँ को जोड़ लिया आपस में। और अब हम इसे नीचे में सिलाई लगाते हुए पाइपिंग बनाएंगे। एक एक सिलाई लगाते हुए पाइपिंग बनाते जाएंगे। पहले हम सिलाई लगा लेंगे पूरे अच्छी तरह से। इस तरह से हम मोड़ते हुए पाइपिंग बनाएंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए, हम इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई पूरे में लगाते जा रहे हैं। ये देखिए, हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है इस तरह। और यहाँ पर हम टॉप को रखते हुए एक पीस टॉप को उठाएंगे, और इसे इस तरह से रखते हुए इस पर डिजाइन को अच्छी तरह से फिट करेंगे। पहले हम गले के तरफ से गले को मिलाते हुए अच्छी तरह से फिट करेंगे इसे।
अब हम यहाँ पर कंधी से सिलाई करेंगे। दोनों कंधी को अच्छी तरह से मिलाए और इस पर सिलाई का लगा देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दिया है इसे। अब कंधी को रखते हुए अच्छी तरह से जहाँ तक लंबाई है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इधर साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। पूरे गले को रखते हुए हम इधर साइड भी सिलाई लगा लेंगे हैं। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लेंगे और इसे गले पर लगाते हुए गले को तैयार करेंगे। पहले पूरे गले पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने पूरे गले पर सिलाई लगाया है। इसे मोड़ कट लगाकर हल्का हल्का इसे मोड़ते हुए हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो देखिए हम पूरे गले पर सिलाई लगा रहे हैं इसे। अब हम दूसरे पीस को भी इस तरह गला बनाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरे पीस ले लिया पीछे का साइड का और इस पर भी हम गला तैयार करेंगे। पहले देखिए हमने इसे भी सिल लिया है और इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर भी हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लिए हैं। और यहाँ पर हम पीछे के पीस को रखते हुए ऊपर से आगे का पीस रखेंगे और दोनों कंधी को जोड़ेंगे। इस तरह हम रखते हुए दोनों कंधी को जोड़ लेंगे पहले। तो देखिए हमने दोनों कंधी को जोड़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंधी को जोड़कर सीधा कर लिए हैं। और अब हम पहले मोढ़ा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ तिरछी पट्टियाँ लिए हैं और इसे जोड़ लेंगे। देखिए हमने कुछ तिरछी पट्टियाँ लिया है, इसे जोड़ लिया है और अब हम मोढ़े के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को मोढ़े पर रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें ऊपर सिलाई करनी है और इसे मोड़ते हुए थोड़ी पाइपिंग निकल कर दिखती रहे। इस तरह हम मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। इसी तरह हम दूसरे मोड़े को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे मोड़े को भी इसी तरह तैयार कर लिया है। और अब हम जो साइड में हम जो फिटिंग का हमने लाइन लगाया था उसी लाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग की थी इसलिए हम इसी पर ही सिलाई लगा लिए हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। और अब हम नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे उसे हम मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, इसे मोड़ते हुए हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे पहले। और अब हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी हम फिटिंग के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ हमारा इस तरह दिख रहा है बनने के बाद टॉप। यहाँ पर हमने कुछ चौकोर कपड़े लिए हैं, चौड़ाई है और 3 इंच लंबाई भी है इसकी। ये पूरी चौकोर है, 3 इंच लंबाई और चौड़ाई है। इसे त्रिभुज आकार में इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम पूरे पीसेस को त्रिभुज के आकार में मोड़ लेंगे सभी को। देखिए हमने सभी को त्रिभुज के आकार में मोड़ लिया है। और अब हम एक सुई लिए हैं और इसे 4 फोल्ड धागा घुसाया है और इसे मोड़ते हुए इस तरह हम एक ही लाइन से सब डालते जाएंगे। एक ही लाइन से जिस तरह माला गुथते हैं उसी तरह हम एक ही लाइन में डाल रहे हैं। देखिए हमने डालकर सब सभी को डाल लिया है और इसे हम दोनों पीस को मोड़ते हुए गांठ लगा लेंगे। तो देखिए हम इसे अच्छी तरह से फिर धागे को लपेटते हुए कसेंगे और एक टाक देंगे इसे। देखिए हमने अच्छी तरह से घुमाकर मोड़ लिया है और इस पर हमने सिलाई लगा दी फिर से। और अब हम देखिए इस तरह हमारा दिख रहा है। और अब हम इसे टॉप पर अटैच करेंगे। इस तरह हम टॉप के ऊपर रखेंगे और इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने एक सो बटन लिया है और इस पर वो इसके फ्लावर के ऊपर लगा दिए हैं। अब सभी पत्ती के ऊपर एक एक मोती लगाते जाएंगे हम। तो देखिए हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। आपको ये टॉप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइव वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।